Imagine doctor says to you कि you will be a dead body within 7 days. क्या हमारी life same pattern पे चलेगी? या हम अल्लाह अल्लाह करेंगे? या हम सदका खैरात करेंगे? या हम कोई charity का इदारा खोल लेंगे? डॉक्टर की बात पर हमें यकीन है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, तुम सबको मौत आने वाली है। हम कहते हैं नहीं यार, आपकी बात पे यकीन नहीं है, आपकी बातें तो हर शख्स को मौत का मजा चखना है और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोजख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। अल्लाह कहता है आइनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, तुम जहां भी हो, चाहे तुम किलों में भी हो, युद्रिकुमुल मौत, तुम मौत आके रहेगी। सो द पॉइंट इज डेथ इज इनएविटेबल। इमाम हसन बसरी अक्सर शॉक हुआ करते थे, कहते हैं कि यार अजीब मामला लोगों के साथ, आई डोंट नो एनीथिंग व्हिच इज मोर सर्टन, येट पीपल टेक इट एज इट इज डाउटफुल, व्हिच इज मौत, व्हिच इज डेथ। मौत तो हमारी रब से मुलाकात का नाम है। मौत इज व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग एवरी डे एंड नाइट, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था दुनिया में किस तरह रहो, कुन फी दुनिया का अन्न का गरीब और आबिर सबील, दुनिया इस तरह गुजारो एज इफ यू आर अ स्ट्रेंजर और अ ट्रेवलर। और सहाबा कहते हैं हमने इसका मतलब क्या समझा, इदा असबहता फला तंतजर अलमसा व इदा अमसैता फला तंतजर सबाह, जब सुबह करो तो तुम्हें यकीन नहीं होना चाहिए कि तुम्हें रात भी होगी, कि यू विल विटनेस नाइट, तुम्हें यकीन नहीं होना चाहिए, तुम्हें यकीन नहीं होना चाहिए उससे पहले पहले मैं चला जाऊंगा। और खुदा की कसम अगर बंदा इस यकीन से लाइफ एक दिन जरा गुजार के देखें ऐसे कि आज रात हो सकता है मैं इस दुनिया में ना हूं, इमेजिन वो जो मजा, एक वो जो एक एक लज्जत होती है ईमान की, अल्लाह मैंने अमल करना है, तुझे राजी करना है। हम कहां पे हैं, हम कहां पे हैं, हम सारे कहां पे हैं? हम पूरी दुनिया में इस टाइम हेड बैंगिंग कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी और आइस पे चल रहे हैं, और नशों में हैं, और घूम फिर रहे हैं, और योलो पे जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं खुद उनमें से था। 2121 में कहां पे हैं? 100 साल बाद सिर्फ, कितनी सदियां आई, कितनी सदियां गई। 99% ऑफ द पीपल विल बी इन देयर ग्रेव्स, वहां पे सिर्फ अमाल काम आएंगे, फैमिली भी छोड़ के चली जाएगी, ये बैंक बैलेंस भी छोड़ के चला जाएगा, बच्चे लड़ रहे होंगे कि ये मेरा माल है, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, वो लड़ने में झगड़ने में तैयार होंगे, और फैमिली वाले कहेंगे मैयत को लेटाओ इसे वरना रखेंगे तो भू मच जाएगी घर में, इसको छोड़ दो। ओनली दोज विल गेट ला इलाहा इल्लल्लाह, दोज हु लिव बाय ला इलाहा इल्लल्लाह, उस टाइम मेमोरी काम नहीं आती, उस टाइम ईमान काम आता है और वो लाइफ काम आती है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे गुजरी थी। डेथ इज सफिशियंट एज अ रिमाइंडर।